हेलो स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कि हम ये साइंस सब्जेक्ट का जो वीडियो है उसमें क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और हमारा जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 7, टोटल 7 लेसन है। और हम अपने 6 लेसन है वो ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। We are going to revise our 7th chapter. और हमारा जो 7th chapter था वो कौन सा था, 4 I 8, जो भी फूड हम खाते हैं उसके बारे में ये लेसन है वो था। हम बहुत अलग अलग टाइप का फूड है वो लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर रोटी, सब्जी, उसमें भी कई तरह के टेस्ट आते हैं, पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, है ना। और ये हमारा इंडियन फूड पाव भाजी, पानी पूरी, वो सब। तो हम पूरे दिन में कितनी बार खाते हैं, मेनली 3 times खाते हैं। सुबह में उठते वक्त जो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर का खाना और रात का खाना, और बीच में जो हम नाश्ता करते हैं वो तो हमारी भूख के हिसाब से होता है। पर मेनली जो हम खाना खाते हैं वो 3 बार खाते हैं। तो हमने इस सेंस में जो लर्न किया था, दैट इज मील्स ईटन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। मील्स जो भी हम खाना खाते हैं, मील्स ईटन जो हम खाते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम के ऑफ द डे, पूरे दिन के हम अलग अलग टाइम पे जब हम अपना मील ले रहे हैं, मीन्स की पूरी प्लेट जो कंप्लीट डिश हम कहते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, सलाद, वो सब पूरी डिश, तो वो हम मेनली 3 times हमारा प्रॉपर फूड है वो हम लेते हैं। ब्रेकफास्ट सबसे पहले होता है हमारा, ब्रेकफास्ट BREAK, ब्रेक FAST, फास्ट। और वो कब होता है, इन द मॉर्निंग। कोई बोले कि हमें डिनर करने जाना है,
ब्रेकफास्ट में पल्सेस खाने हैं और मिल्क भी पीना है। तो ब्रेकफास्ट में पीना है मतलब कब पीना है, मॉर्निंग में पीना है, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा मॉर्निंग में कौन सा मील होता है, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच एंड नाइट डिनर। ये लंच एंड डिनर है और ब्रेकफास्ट की वो हमें हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से करना चाहिए। मतलब कि ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स होना चाहिए कि हम सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। लंच है तो लंच हम 12 बजे या तो फिर 1 बजे, तो हमें हर दिन वही टाइम के ऊपर लंच करना चाहिए। और डिनर भी हम अगर डिसाइड करें कि हमें रात को 8 बजे डिनर लेना है तो हमें हर दिन हर रोज 8 बजे ही डिनर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही इजी होता है और एक दिन आप जल्दी खा ले और या एक दिन आप बहुत लेट खाए तो ये जो ये बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उससे हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है और रात के खाने में बहुत ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर हम जितना लेट खाएंगे, सपोज कि हमने 9-10 बजे खाया, हम 11 बजे तो सो जाएंगे, 12 बजे तो सो जाएंगे, तो फिर खाने के बीच में और सोने के बीच में ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो ऐसा होगा कि हम खाने के बाद जल्दी ही सो गए तो फिर हमारा जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो नहीं होगी, बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी तो हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हम जल्दी खाना खा के ही सो गए जल्दी से तो फिर वो हम उससे मोटे हो जाएंगे। तो जब भी हमने खाना खाया है और जब भी हम सोने जाते हैं तो उसके बीच में थोड़ा टाइम रहना चाहिए जिससे वो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और फिर उतनी हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी तो फिर हम मोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका ये रीजन है कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर खाने की आदत डालनी चाहिए। सो आप लोग भी ऐसा ही करना अभी घर पे हो। So breakfast in the morning, lunch in the afternoon, and dinner at the night. Now the second one is SOURCES, sources of food. Source मतलब कि जो चीज वहां से मिलती हो। यहाँ किसका source है? Sources of food. Food के sources मतलब कि food कहाँ से मिलता है, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से मिलता है। तो फूड के सोर्सेज है वो दो सोर्सेज है, फूड फ्रॉम प्लांट एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमारे दो सोर्सेज है फूड के, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट में से जो भी हम खाना लेते हैं वो कौन कौन से लेते हैं? ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब व्हीट है, राइस है, बाजरा है, ज्वार है, पल्सेस है, कोसा है। पल्सेस मतलब कि चना, मूंग, फिर अरहर, ऐसे जो कठोर हम खाते हैं उसे कहते हैं पल्सेस। दूसरा है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हम लेते हैं वो भी कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट में से। फिर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स होते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में से, है ना। तो ऐसे जो फूड है
sources of food, and there are two sources of food, one plant.